तो मम्मी जी आ गए हैं और यो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मम्मी से मिलने के लिए, बट गेट बंद पड़ा है बिकॉज रात को बंद कर देते हैं ना, तो अभी गेट खुलवाते हैं फिर देखते हैं और यो क्या रिएक्शन रहता है। ओ भाग गया, ओ भाग गया। ओरी क्या हुआ? बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली मम्मी और पापा जी आ चुके हैं, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ओरियो का रिएक्शन तो देखने वाला ही होता है जब भी कोई आता है, ऐसे कूदता है ना वो। बाय द वे, मैं सोया नहीं हूँ, मुझे याद है कि मेरी एडिटिंग नहीं हुई है, कल रात को नहीं की थी मैंने, तो मैं एडिटिंग पे बैठ गया। अभी 8 नहीं बजे तो 8 बजे व्लॉग आ जाएगा। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और एक गुड न्यूज आई है कि हमारी गाड़ी रेडी है शोरूम पे, तो हम कल जाएंगे सुबह सुबह लेने के लिए। एक्चुअली हमको जाना है चंडीगढ़ मोहाली, वहां से हमने बुक कराई थी जल्दी के चक्कर में, बट उन्होंने तो यहाँ वालों से ज्यादा लेट कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं, अब फाइनली गुड न्यूज है कि गाड़ी रेडी है तुम्हारी। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं पूरे 2 महीने से वेट कर रहा हूँ गाड़ी का। अभी स्कूल से आया, स्कूल से आते ही नई टी शर्ट और नए शूज डाल लिए। क्यों क्यों मन कर रहा था? नहीं नहीं समझ सकता हूँ, बचपन में मुझे भी होता था नए कपड़े डालने का एक्साइटमेंट। बाय द वे, कल क्या है? कल पता है क्या है? क्या क्या है कल? कार आएगी, कल आएगी, आएगी थोड़ी ना हम लेने जाएंगे। हाँ, हाँ, आएगी जैसे कि चल के आएगी। चल के नहीं, भाग के आएगी। चला के लानी पड़ेगी भाई, आप थोड़ी चलाओगे, जो भी चलाएगा वो दोबारा बेचती होगी। तो अभी पीयूष थोड़ा सा सैड हो रहा है बिकॉज आज स्कूल से पिट के आया, अभी मुझे बता रहा था गाथा जो कि मैं बता नहीं सकता बिकॉज इसकी मैडम भी देखती है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, पीयूष ही होता है। कैसे बस कैसे मारता है तू बता? ओ मेरे बाल भी खींच रहा है तू? बाल खींचने मैंने घुमा दिया, पूरा घुमा दिया भाई, घुमा के पीटा भी था उसके बाद। कैसे थप्पड़ गाल दिखाई हो भाई? ये तो कुछ नहीं है, मैं तो हर पीरियड में पिटता था, हर पीरियड में डंडे से। सुनाते ही नहीं होगे? हाँ सुनाता नहीं था सही में, और जो बाल घुमाए थे ना अभी तक दर्द हो रहा है यहाँ पर, अभी तक दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। आप जाके ऐसे बोल देना प्रिंसिपल को कि पीयूष को मारना मत ऐसे, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन इतना थोड़ा ना, घुमाने थोड़ी चलता है बाल। हाँ इसके बाल पड़े घुमा दिया इसको। ठीक है मम्मी, मम्मी जी जाके बोल आना, आप बोल दोगे ना फिर नहीं मारेंगे। तो अभी शाम के 4:39 हो चुके हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं दो जनों का, एक तो जिया जी का क्योंकि वो ही हमारी गाड़ी का मुहूर्त करेंगे, तो वो भी जाएंगे हमारे साथ लेने के लिए मोहाली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल सुबह सुबह निकल लेंगे। सोच रहे हैं यहाँ से बस में चले जाएँ और वहाँ से अपनी गाड़ी में आ जाएँ, है ना, ऐसे करेंगे। सही है, सुबह शायद 5 बजे की या 6 बजे की बस है, तो यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस में निकलेंगे, 5 घंटे लगेंगे बस में, 5 घंटे, बट चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, इतना पूरी रात सह के आए हैं, ये भी सह लेंगे। हाँ ये बात भी है। तो अभी बाइक रेडी है, पीयूष रेडी है, ओरियो रेडी है, अभी हम जीजा जी को लेने जाएंगे। बुला उसको, शुभम को बुला, शुभम तो अभी चल जाएगा पता, शुभम से पूछते हैं जो इस क्लासमेट है कि क्या हुआ था। ओए 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 नो भाई साहब, डरा दिया भाई, मार देती सिंग सांग मार देती थी। तो यहाँ पे हैं सबूत के तौर पे हमारे साथ में एक शुभम एंड अग्रिम। हाँ क्या हुआ था स्कूल में, क्या हुआ था? जल्दी शॉर्ट में बता, इसी गलती थी, गलती थी ना भाई, जो ज्यादा मारा ज्यादा मारा, मारे तेज मारे और आंसू आ गए, देख आंसू आ गए थे, और आएंगे तो सुने आंसू, नॉर्मल में मारा ना तो नू मतलब लगभग इतना मुंह हो गया इसका, पूरा मुंह हो गया सब, पूरा मुंह और मुंह हो गया। तेरे को मारा? ये फर्स्ट बेंच बैठा था, ये तो फर्स्ट बेंच बैठा, तेरे को मारा, तेरे को अगर कुछ गलती है, कुछ कुछ गलत किया है, कुछ है तो पेरेंट्स को बता देना चाहिए, पेरेंट्स को फोन कर दो। हां ये बात है और सही है, पेरेंट्स अपना अपना आप जुगाड़ करेंगे, उनका जुगाड़ नहीं जो भी करेंगे, करेंगे। यार थोड़ी इज्जत तो कर लो यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेना था। क्या था? रूम फ्रेशनर। नमस्ते अंकल जी, एक रूम फ्रेशनर दे दो, रूम फ्रेशनर जो लास्ट टाइम लेके थे वही वाला, वो तगड़ा था, मस्त था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर रजनीगंधा सा लिखा हुआ था, उस टाइप का था वो जो राइट साइड में ना, डिफरेंट है। और दिखा दो, और 2-3 पड़े हैं, ये वाला दिखा दो जो सबसे आगे पड़ा है। हाँ ये ठीक लग रही है। सुन भैया वो खाओगे गोलगप्पे? चलो चलते हैं, गर्म का गर्म गोलगप्पे खा के आते हैं। किसकी है ये? ले हरी चटनी मत डालना मेरी वाली भाई, जल्दी खाओ जी, आने वाले हैं, कहीं वो बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं आप खाए।
देख लो, हम खाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि अंधेरा ही हो गया है, लेकिन जो मजा आया ना खाने में भाई, भाई सिंपल चाट पापड़ी खाने में जो मजा आता है ना भाई साहब। तो अभी घर चलते हैं और मैं बैटरी चेंज करता हूँ, गोप्रो की बैटरी खत्म हो चुकी है, और फिर चलते हैं जीजा जी को लेने के लिए, अभी तक नहीं आया यार वो। कॉल आ रही है भाई, कॉल आ रही है, उठा रुक जा एक मिनट रुक, पापा जी की फोन है, पकड़ उठा। तो बैटरी चेंज कर दी है, चार्जिंग पे भी लगा दिया मैंने, अब चलते हैं। वो एक काम करेंगे, बस स्टैंड से पूछ लेंगे कि चंडीगढ़ की बस किस टाइम की है, क्योंकि हमने को सुबह जाना है ना, तो जितनी जल्दी वाली बस होगी, चाहे 4 बजे सुबह 5 बजे की, तब निकल लेंगे उनमें। तो गाइस आप देख सकते हो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी से पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, शादी हो रही है जी। एक काम करते हैं, अंदर जाके पूछ के आते हैं पहले चंडीगढ़ की बस का, मैं पूछ के आता हूँ। अरे बताऊँ भैया, सामने जाकर बोर्ड लगा हुआ इतना बड़ा, सब सब के बारे में लिखा था बस में। अरे हाँ चलो, बोर्ड पे भी लिखा होगा, कर लें क्रॉस। ओके सुबह 5 बजे, तो सुबह 5 बजे रेडी हो जाए पीसी, सुबह 5 बजे पहुंचना है अपने को यहाँ पे, नहीं 5 से पहले 4 बजे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली जीजा जी मिल चुके हैं, जो कि इस बाइक में जा रहे हैं। देखो भाई, और किसी चीज़ से डर लगे ना लगे, ये जो ट्रक का हॉर्न होता है ना भाई, इससे बहुत डर लगता है भाई, ट्रक का हो चाहे बस का हो, कितनी खतरनाक हॉर्न मारते हैं भाई ये। और यो का रिएक्शन देखते हैं, मेरे पास क्यों आएगा वो देख, सुबह भी इसका यही रिएक्शन था, अब भी इसका यही रिएक्शन है, ये देखो। सो गाइस बात ऐसी है, सभी के सभी आ चुके हैं, पूरी फैमिली आ चुकी है, तो पूरा परिवार हो चुका है। अभी थोड़ी देर में डिनर करेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, और देखते हैं सुबह कौन कौन जाता है गाड़ी लेने के लिए, बिकॉज बस में जाना है तो लिमिटेड लोग ही जाएंगे, सब तो नहीं जा पाएंगे। आर यू एक्साइटेड हमारी गाड़ी की पूजा करने के लिए? बिल्कुल, उद्घाटन करने के लिए। ये तो हमारा क्या कहते हैं, एक ड्रीम पूरा हो रहा है। हाँ ड्रीम है ना, हमारा ड्रीम था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी भी, लेकिन इससे भी पहले वो जो ड्रीम हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, गोल्डन प्ले बटन। गोल्डन प्ले बटन, जिया जी ने मुझे एक बात बोली थी, देखो जिया जी ने मुझे एक बात बोली थी, जैसे हमारे दो चीजें आने वाली थी, एक तो गोल्डन प्ले बटन, एक गाड़ी। जिया जी ने एक बात बोली थी, मुझे गाड़ी का इतना वो नहीं है, लेकिन गोल्डन प्ले बटन का है, बिकॉज गाड़ी का क्या है वो तो एक पैसा फेंक तमाशा, देख मोह माया है गाड़ी, लेकिन गोल्डन प्ले बटन एक अचीवमेंट है लाइफ की, बिल्कुल, जो कि सब हर कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात बोली थी, वो सौरभ को मिला है और मुझे बहुत दिली खुशी है, और मुझे यही था कि गाड़ी से पहले इसका गोल्डन प्ले बटन आ जाए, वो एक कहते हैं एक ड्रीम पूरा होना, वही हो रहा है, और मुझे इसी की चाह थी कि मैं, मुझे ये था कि सौरभ के पास ये गोल्डन बटन आ जाए बस। एक और आने वाला है, व्लॉग वाले चैनल, वो आएगा, बिल्कुल आएगा, दिल खुश हो गया। तो लो जिया जी, मेरी तरफ से ऐश करो यार, आप भी क्या याद करोगे, याद क्या करोगे, नहीं याद ही करूंगा। हाँ याद करोगे, याद करूंगा। भाई देखो गाइस, अभी हमने एसी चला रखा है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी से लग रही थी, अब ठीक लग रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है, और बीमार ना हो जाए बस, और भी नोटों की गर्मी भी काफी हो गई। नोटों की गर्मी। तो गाइस बात ऐसी है कि हम सेलिब्रेशन आज पहले ही करेंगे, बिकॉज गाड़ी आने वाली है, उसका भी करेंगे, आएगी उसके बाद भी करेंगे, सबके ऊपर पैसा लुटा दूंगा मैं आज सारा, मेरे पास काफी पैसा आ चुका है। तो अभी हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, अभी नीचे से बुलाओ आए डिनर के लिए, तो डिनर करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, नाचेंगे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। आपने खा लिया खाना पीना? हाँ, हो गया सब। तो पीयूष को तो आज सही कंपनी मिल गई। क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? गंदे बच्चे, जाओ हमारी वीडियो। तो आराम से बैठ के आज मस्त डिनर होगा, पनीर बनाया ऑब्वियसली तो है ही, वेज में पनीर ही बन सकता है। तो ये हमारा नीचे वाला स्टूडियो, जो पुराने वाला है, यहाँ पे सब भर गए हैं, देखो मैं कह रहा हूँ कि सभी ऊपर चलो, सबने डिनर कर लिया है, रात के बज चुके हैं 12:45 एंड हमने चाय वगैरह भी पी ली है। यहाँ पे ओनली अभी बच्चे हैं जिया जी और सोनू भैया, ये भी जाने वाले हैं, बिकॉज अभी मैं एडिटिंग करूंगा, क्योंकि कल तो मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, कल हम पता नहीं कब रात तक वापस आएंगे, क्योंकि गाड़ी लेने जाना है ना, बट जो भी है एक्साइटेड। और नया माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो बताना इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा महंगा माइक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेस्ट माइक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से दिखा दूंगा कौन सा माइक है भाई, क्वालिटी आप बताना कैसी है। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 4:11 और 5 बजे की बस है, तो लेट हो गए उठने में, जल्दी जल्दी निकलते हैं, बस स्टैंड पहुँचते हैं और बस में बैठते हैं और चलते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट व्लॉग देखना डिलीवरी का जो भी होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
आई थिंक पीयूष कुछ लेके आ रहा है। किसका है? मेरा है। मेरा है। जो मत बोल मेरा है। मेरा है। अपने लिए डाल के लाया हूँ। तो अपने लिए फिर ऊपर क्यों लेके आया है? जाके नीचे जाके खा। मैं काम कर रहा हूँ। हाँ।